हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मृणाल घोष और मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है या फिर आपका आधार कार्ड का नंबर भी आपको नहीं मिल रहा है, तब भी आपको ऑनलाइन से अपना आधार कार्ड का नंबर मिल सकता है बहुत ही आसान तरीका से। इसके लिए आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर रहना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे करते हैं वही आज हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे, तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन में आ जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे को कोई भी एक ब्राउज़र से गूगल पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके हमको लिखना पड़ेगा UIDAI। लिख के एंटर मारने से पहला वाला जो लिंक मेरे को इधर दिखेगा वही लिंक पे हमको क्लिक करना पड़ेगा। देखिए इधर मेरे को सबसे पहले जो लिंक दिख रहा है UIDAI.gov.in, वही लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा। वही लिंक पे क्लिक कर देंगे तो UIDAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो इधर ओपन हो जाएगा, तो हम वही लिंक पे क्लिक कर देंगे। वही लिंक पे क्लिक करने से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो इधर ओपन हो गया। तो इधर मेरे को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने से मेरे को एक ऑप्शन मिलेगा गेट आधार। गेट आधार ऑप्शन के अंदर मेरे को और एक ऑप्शन मिलेगा रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगॉटन EID UID, वही ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यही ऑप्शन मेरे को ऊपर से भी मिलता है, ऊपर में जो माई आधार ऑप्शन दिख रहा है वही माई आधार ऑप्शन के अंदर गेट आधार मिलता है, उधर से मेरे को रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगॉटन EID UID का ऑप्शन मिलता है। तो हमको कोई भी एक जगह से इधर जाना पड़ेगा, वही ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। कोई भी एक जगह से वही ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगॉटन EID UID का जो पेज होता है वो इधर ओपन हो जाएगा। देखिए इधर नया पेज ओपन हो गया है रिट्राइव लॉस्ट और फॉरगॉटन EID UID का। इधर मेरे को सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा मेरे को आधार नंबर चाहिए या एनरोलमेंट आईडी चाहिए। तो मेरे को आधार नंबर चाहिए, इसके लिए आधार नंबर पे ही क्लिक करके रखेंगे। उसके नीचे मेरे को फुल नेम डालना पड़ेगा, मेरा पूरा नाम डालना पड़ेगा। उसके नीचे मेरे को मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा या फिर ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। इधर देखिए और है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, तो कोई भी एक डाल देंगे। तो उसके नीचे मेरे को कैप्चा डालना पड़ेगा। कैप्चा डालने के बाद नीचे जो सेंड ओटीपी का ऑप्शन मिलता है वही सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करने से रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा भर देते, पूरा डिटेल्स भर देंगे। पूरा डिटेल्स भर देने के बाद मेरे को नीचे जो सेंड ओटीपी ऑप्शन दिख रहा है वही सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो पूरा भर दिया, अभी मेरे को सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। सेंड ओटीपी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आधार के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो देखिए इधर मेरे को दिख रहा है ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल। तो मोबाइल से ओटीपी लेके इधर मेरे को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। नीचे आने से मेरे को ओटीपी डालने का एक जगह मिलेगा, तो इधर मेरे को ओटीपी डालना पड़ेगा एंटर ओटीपी में। तो मेरा मोबाइल से ओटीपी लेके इधर हम ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद नीचे जो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है वही लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इधर से ओटीपी डाल देंगे। डाल देने के बाद नीचे जो लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है वही लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो मेरा रजिस्टर मोबाइल पे आधार नंबर चला जाएगा। तो देखिए इधर मेरे को दिख रहा है योर UID इज सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी अपना रजिस्टर मोबाइल पे UID नंबर यानी आधार नंबर चला गया। तो अभी हम क्या करेंगे, मोबाइल पे चला जाएंगे, उधर मेरे को एक मैसेज दिखेगा, आधार से एक मैसेज आ जाएगा जिधर मेरा आधार नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमको बहुत ही आसान तरीके से कभी भी कहीं से भी अपना आधार नंबर मिल सकता है ऑनलाइन से। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रूर करना और बहुत सारे शेयर करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।